लीन मार लीन मार लीन मार लीन मार लीन हट जा यार गाइस टायर पंचर हो गया भाई गंदे वाला यार दर्द। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉडी नेगी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं गाइस ब्लॉग शूट करने के लिए, और गाइस मैंने सोचा कि पहले ना पता है इंट्रो ही शूट कर लेता हूँ, क्योंकि पता लेट भी बहुत चुके हैं, पहले सुबह उठे वगैरह वगैरह यार, मतलब इतना टाइम हो गया ना, मतलब कि लेट ही हो गया पूरा। तो गाइस अभी हम गाइस राइड पे जा रहे हैं, मतलब घूमने के लिए जा रहे हैं ना, मतलब मम्मी भाई मैं, और गाइस मेरे साथ ना दो दोस्त भी आ रहे हैं, एक आशीष, और गाइस अब बहुत टाइम बाद ना अपने ब्लॉग में आज गाइस मतलब आशीष भी आने वाला है, और सौरभ भी आने वाला है अपाची वाला, और आशीष ड्यूक वाला। तो गाइस अपनी ड्यूक इसलिए ला रहा है ना गाइस, उसका पीछे का टायर ना पूरा का पूरा एंड हो रखा है, मतलब गाड़ी स्किट हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब टोटल बात ही है, ठीक है। तो उसकी है मेरे पे एंटॉर्क की है, तो गाइस मैंने एंटॉर्क ला के, तो मेरे साथ आशीष एंटॉर्क में आएगा, भाई जा रहा है अपनी थर्ड जेन में ड्यूक में 390 में, मम्मी और भैया वो ड्यूक में चल जाएंगे, और मेरे साथ आशीष और सौरभ, ठीक है ना। तो गाइस अभी इस राइड में गाइस मजा तो काफी आने वाला है, और सोच तो रखा है कि जाना कहाँ, बट लेकिन इतना कन्फर्म नहीं है, पता नहीं कहाँ निकलते हैं। तो गाइस अभी सीधा, क्योंकि आशीष अभी तैयार भी नहीं हो रखा है, तो आशीष का कॉल आया, तो गाइस उसको पहले मतलब उसको लेने चलते हैं उसके सिस्टर के घर, उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे गाइस अभी, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो गाइस आपको बोर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं आशीष के घर। गाइस आशीष को ले लिया मैंने इसके घर से, तो गाइस अभी ना सौरभ भी वेट कर रहा है, सौरभ भी अभी शिव मंदिर में खड़ा हो रखा गाइस, वो भी पता है एक घंटे से खड़ा यार, हमारी पता 390 की चाबी खो गई यार गाइस, पता चाबी नहीं मिली, फिर उसके बाद वाली चाबी तो पता नहीं कहाँ है, फिर तो फिर नई वाली चाबी रखी थी ना मैंने संभाल के, तो वो भाई ना वाली उठा के ला रखा है, तो भाई यार मम्मी लोग तो आगे पहुँच गए होंगे, तो हम सौरभ को उठाते हैं और गाड़ी में फ्यूल अप करवाते हैं, क्योंकि टंकी भी आप देख सकते हो पूरा एंड। सौरभ की कॉल आ रही, तो गाइस यहाँ से टैंक भी करा दिया भाई फुल, और देखो सौरभ का ही कॉल आ गया यार, भाई भाई से झूठ बोल दिया, फोन पकड़ गाइस झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर रहे भाई, अब लेट हो गया भाई, भाई को कम से कम 1.5 घंटे हो गए यार वेट करते करते, ये कहाँ जा रहे यार आंख बंद करके, ठोक दूंगा साला किसी दिन इनको, मैं ठोक दूंगा भाई इनको ऐसा को करो आप, भाई का खूंखार गुस्सा देखना अभी, आय हाय हाय भाई, टेल टाइट रिमूव कसम से भाई, गाइस यार कब निकाली तूने, वाह यार लुक नहीं आ रही अच्छी, नंबर प्लेट कब लगाएगा, चल 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 अभी लेट मत कर, चल अभी नहीं लगानी नंबर प्लेट, नहीं लगानी ना ना नंबर प्लेट लगानी है बाबे, तेरी टेल टाइडी देखते ना आगे, चल शहरी कर दी भाई कुछ भाई, न्यारा लुक प्यारा, अबे भाई किचर किचर से हालत खराब हो जाएगी बाबे, कुछ भी बोल भाई, चलो गाइस मम्मी और भाई को पकड़ते हैं, भाई सौरभ भी मिल गया और हम दोनों, ठीक है कॉलेज वाले रास्ते से जा रहे हैं, और इधर भाई लड़कियां देखो भाई सौरभ भी हमको ना ओवरटेक करके निकल गया भाई, हम थोड़ा हमको वहाँ पे 2-3 लौंडे मिल गए थे ना साथ के कॉलेज वाले, तो उधर ही रुक गए थे यार, तब तक उतनी देर में भैंस ना सौरभ ने देखा नहीं, वो भी निकल गया, मेरे ख्याल से भाई का कॉल आ रहा है यार, कॉल नहीं उठाऊंगा बस गाड़ी भगाते यार भयंकर, इन्हें पकड़ते भयंकर गई कितनी दूरी है भाई, यहाँ पे जो ये है ना ये वाला फ्लो खतरनाक है भाई, गाइस ये चेक करो ये देख रहा हूँ भाई, एक हाथ से पकड़ो भाई को कॉल कर रहा हूँ ना, आशीष ने एक्सीलेटर संभाल लगा और मैंने पीछे का ब्रेक, लीन मार लीन मार लीन मार लीन मार लीन मार, अरे बाबे ओ भाई लीन मार लीन मार 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 लीन मार, हट जा हट जा, ओ भाई नहीं उठा सकते तुम लोग कोई भी, नमस्ते मम्मी, आशीष इसको खोल दे, इसको डिग्गी में रखते हैं यार, गाइस इधर ना मम्मी लोग रुक के ना हमारा वेट कर रहे थे ना, मतलब गए नहीं वो ज्यादा आगे, मेरे को तो लगा कि वो निकल गए होंगे, बट वो निकले नहीं, हमारा वेट ही कर रहे थे ना, और गाइस यार एक ना दिमाग खराब हो गया भाई, अभी अभी यहाँ पे चेक किया मेरे एक व्लॉग अपलोड हो रहा था ना अभी, तो उसमें कॉपीराइट आ गया यार गाइस, मतलब एक बैकग्राउंड म्यूजिक था ना वो ट्रेंडिंग में चल लगा है, एनिमल का सॉन्ग है वो, शायद से दिल तक पता नहीं क्या नाम है उस सॉन्ग का यार, वो लगाया यार उस पर कॉपीराइट आ गया यार, पहली भयंकर डिस्क्लेमर डालना था अभी, बट लेकिन वो अपलोड भी नहीं हुआ और कॉपीराइट पहले ही दे दिया यार, मतलब दिमाग ख़राब हो गया यार, अभी आगे ना भयंकर आगे जाके जरा इसको वो फिर से सेटिंग छेड़ूंगा यार, मतलब उसमें ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करके, क्योंकि अपलोड मुझे आज ही करना है गाइस ये वाला व्लॉग ना, नहीं तो फिर लेट हो रहा है यार, कॉपीराइट आ गया कसम से दिमाग खराब हो गया यार पूरा, मतलब मूड ही खराब हो गया मेरा यार। गाइस ये हमारे साथ हो चुका है लोल, यहाँ पर हो गया भाई टायर पंचर, और टायर पता पंचर हो रखे हैं गाइस दो पंचर हो रखे बाबे, दिक्कत ही हो गई यार, वैसे ही लेट हो रहा है और लेट हो गया देख रहा है,
बेटे वो तो सही हुआ, हवा वो चेक हो गया, बता दिया। ये तो गाइस आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है भाई। पोखाल साइड में तेरे को पता पंचर का भी नहीं है, वो एक है पता पोखाल में पूरे मतलब मार्केट में ना, और वो भी बंद रहती है बैंकर कभी कभार। अरे घंटा नहीं खोलता तो गायब ही रहता वो। गाइस भाई लोग रुके नहीं, भाई निकल गए आगे, बस पंचर हो जाए फटाफट। हवा चेक कराई और उसके बाद तब सौरभ ने भी कराया, तो हमने कहा वो भाई ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा भी कम है। भाई उसने चेक किया, उसने कहा भाई मुझे पंचर का डाउट लग रहा है। तो गाइस तब फिर उसके बाद देखे तो भाई दो दो पंचर निकल लेके भाई हमारी एंटॉर्क में। और गाइस सही में वो तो अच्छा हुआ कि चलो वहाँ पे हवा भरा दिया और पंचर का भी दिख गया, तो पंचर भी बना दिया। और आगे क्योंकि पोखाल में ना गाइस एक ही पंचर वाला है और पंचर का भी कोई कन्फर्म नहीं है कि खुला है कि बंद है भाई, तो अच्छा हुआ कि चलो भाई वहाँ पीछे पंचर बना दिया। और गाइस अभी ना ये अभी आधे रास्ते में गाइस अभी पोखाल भी नहीं पहुँचे भाई, अभी मम्मी भी है ना साथ में, तो इसलिए गाइस स्लो चल रहा है। यहाँ की रोड ना मतलब काफ़ी वो है यार, मतलब ना देख रहे हो कितना मतलब डबल मतलब वो है कि मतलब अगर यहाँ से अगर एक ट्रक आ जाए एक हमारी गाड़ी चल ना तो भाई मतलब ऐसे सुई करके नहीं निकल पाएगी गाड़ी की स्पीड, या तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी ट्रक वालों को हमको, तब जाके रुक रुक के निकलेगी। ऐसी रोड है यहाँ की, बाकी आप देख सकते हो ऊपर नीचे सारा डैमेज हो रखा है, गड्ढे सड्ढे इतनी है कि क्या बोलना। और लेट तो भाई क्या ही बोले भाई, बहुत लेट हो गया भाई। क्या हाल है, क्या क्या हाल है डाली, सब बढ़िया? पोखाल में मिलना है तो बोलना। हाँ पोखाल में मिलेंगे अभी तो भाई, पर गंदा ही पता नहीं चलता वहाँ पे। अरे भाई ने बोला बीच में चल, अब मैं पता साइड में चल रहा था, साइड में चलते सिटी में जाते और बीच में चल रहे थे भाई, इतनी हालत खराब हुई ना भाई। तभी तो मीन तो वाले है, तो बाइक में बैठी हुए ना ना, अब मेरे को ले लेना भाई इसमें। हाँ हाँ ले रखा है भाई तुझे भी। तू कब आ रहा, कोटदार कब आ रहा है? बोतल बातल नहीं यार, बोतल बात अगर ना पी बोतल वोतल का सीन नहीं है यार, चलो कोई नहीं, मैं भाई से बात करता फिर देखते क्या सीन होता है ना। फोड़ जरा एक पटाखा फोड़ एक, नहीं फटा भाई वो तेरी। अरे भाई क्या आग निकल रही खतरनाक। ऋषभ ना मेरे साथ का है ना, ये मतलब अपने इस मेरे साथ वाले का गांव का भी दरी पड़ता है ना भाई। अभी मिला मेरे को मिला, मैंने कहा ये है कौन ये लड़का भाई, फुल एक्रोपोबी का सिस्टम लगा रखा लौंडे ने। इसका कैफे है ना गाइस मार्केट में, गाइस एक दिन कैफे भी चलेंगे इसके, मेरे को काफी टाइम से बोल रहा था ना भाई तो मेरे कैफे नहीं आया, तो गाइस एक दिन चलेंगे, उस दिन अलग से व्लॉग बनाएंगे भाई के कैफे का ना, वो काफी टाइम से बोलता आ रहा है मेरे को यार, पर लेकिन भाई हो जा रहा है मेरे साथ तो सीन ही होते रहते कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो बट जाएंगे गाइस जल्दी इसके कैफे भी एक दिन। ओ तेरी का गाइस इधर की लोकेशन चेक करो यार, मैं आपको ना दो पहाड़ दिखाऊंगा ऐसे ना, ये देखो ये वाले देख रहे हो कैसे जा रही है, मतलब ना लग नहीं रहा पहाड़ है। अभी देखो गाइस लीन मारते लीन 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 टांग टांग बाहर निकाल के ऐसे करके, अभी मैं आशीष को डराता हूँ देखना, अभी मारू लीन मारू लीन देख। अभी फिर लेना गाइस लास्ट लीन, उसके बाद सीधा मावगढ़ में मिलेंगे। अबे कहाँ चलेगा मैं, तो गाइस हम पता थोड़ी सी देर में गाइस मावगढ़ होंगे, ये आने वाला है गाइस मावगढ़ का रास्ता, ये देख रहे हो गाइस मावगढ़ पहुंच गए भाई, और गाड़ी पार्क करेंगे गाइस आगे जहाँ पर से प्रसाद हमने अरे रुक जाए यहाँ पे लगाते हैं। ओहो यहाँ गाइस हम पहले भी आए थे ना दोस्तों के साथ, तो हमने प्रसाद इधर से लिया था, और आपको याद होगा अगर आपने व्लॉग देखा होगा ना पहला वाला, अरे इधर लगा था इधर लगा यहाँ कहाँ ला रहे, तो गाइस आपको याद होगा अगर आपने मेरे पहला वाला व्लॉग देखा होगा ना, तो हमने गाड़ी यहीं पर ही पार्क की थी गाइस सारी की सारी। ओए अबे इधर लगा गाड़ी, सबको समझाना पड़ेगा क्या। तो गाइस आपको मिलते हैं प्रसाद लेने के बाद। गाइस हम पता मावगढ़ पहुंच गए हैं, और पता मम्मी जी और आशीष साथ में चल रहे, सौरभ तो आगे भाग गया अपने पिछले वाले व्लॉग, बहुत पहला वाला व्लॉग है गाइस, उस टाइम पर तो ठंडी का टाइम था, अभी भी ठंडी का है बस टाइम पर कोहरा वगैरह नहीं है, उस टाइम पर कोहरा था ना, तो मैंने बोल रखा था ना कि मम्मी और भाई को लाऊंगा जब छुट्टी आएंगे ना। तो गाइस यहाँ से ट्रैकिंग का ना पूरा मतलब समथिंग वाला 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर तो होगा मेरे ख्याल से ना। अभी आप पूरी चढ़ाई देख रहे हो, यहाँ से जाएंगे घूमते हुए फिर ऊपर गाइस। वो चेक करो भाई नीचे से इतनी दूर से आ रहे हैं, सौरभ यहाँ पे पहुँच गया, उसके पीछे आशीष तो अपना
शायद धुन में आ रहा पता, मेरी जो हार्ट बीट हो रही है इस टाइम पे। अबे किधर कर रहे थे, धक धक भी नहीं कर रहा पर भाई हाँ वो सांस बहुत गंदी फूल रही भाई, क्योंकि मैं लंबे लंबे स्टेप धर गया है ना, बहुत ज्यादा वो हो रहा है सारा भैया। ठंड लग रही है गाइस, यहाँ पे नहीं रुकते भाई क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, क्या फायदा बेफालतू में। और अभी टाइम क्या हो रहा होगा मेरे ख्याल से ना गाइस, लमसम अभी ना 3:30 तो बजे होंगे, बट 3 बज गए देखो गाइस, 2:47 हो गया भाई, मतलब 3 ही लगा लो कि 3 तो बजी गए। और अभी हमको यहाँ पे ऊपर अभी पहुँचे भी नहीं, 10-15 मिनट वो लगेगा, फिर ऊपर पूजा वगैरह करते करते दर्शन करते करते ना 4:30 मिला, अभी लगा लो कि हम यहाँ से 5 बजे निकलेंगे भाई। तो गाइस आपको सीधा ऊपर मिलते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि हार्ट बीट बहुत ज्यादा वो हो रहा है, धक धक हो रहा भाई, हालत खराब हो रही है, सौरभ की भी हालत खराब हो रही भाई। नहीं, मुझे ठंड लग रही है बस, लौंडे को थक लग रही भाई, थक नहीं लग रही ठंड लग रही है, ठंड सॉरी मतलब ठंड लग रही। अब पीछे देख रहे हो मम्मी तो आ भी नहीं पा रही बेचारी, क्योंकि कल को ना मम्मी वहाँ भी गए थे मेरे साथ चंडी देवी, तो गाइस वहाँ भी हमने ट्रैक किया, हम पहले ट्रॉली में जा रहे थे, मम्मी ने बोला नहीं बोल पैदल जाएंगे, क्योंकि पैदल इसलिए भाई देखो ट्रॉली उसके लिए होती है ना कि जो एजेड हो जाता है यार ज्यादा, जो चल नहीं पाता पैर पे प्रॉब्लम उनके लिए, हम तो अभी जवान लौंडे भाई, बनकर इसको कॉपीराइट रहेगा गाइस, ऊपर मिलता है आपको। तो भाई हमने ना पूजा कर ली है, मतलब दर्शन वगैरह कर लिया अंदर महादेव जी के, और मैं ना आपको नहीं दर्द ना पूरा एक बार व्यू चेक कराता हूँ पीछे का। यहाँ देख रहा हूँ गाइस, मतलब अभी ठंड क्या बोलो गाइस, अब की बार ना पता ठंड तो वैसी पड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मतलब आप इधर का ना व्यू चेक कराओ ना। मगर ये देखो बैक साइड से महादेव का मतलब जो मंदिर है ना पूरा, ठीक है, जिस टाइम पर ना गाइस मैं आया था ना, आपने साइड से मेरा प्रीवियस वाला व्लॉग देखा होगा, 4-5 महीने हो गए उसका समथिंग भाई, ये जो है ना पूरी चोटी है, तो चोटी दिख भी नहीं रही थी, मतलब पूरा फॉगी फॉग था। इधर से देखो आप पूरा व्यू यार, मतलब नेक्स्ट लेवल लग रहा है, जहाँ पे देखो आशीष खड़ा हो रखा है ना, अगर यहाँ पर अगर एक फोटो ले ली ना तो मतलब खतरनाक ही आएगी, खतरनाक गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, देखो अपने कैमरे के थ्रू वहाँ पे देख रहो, एक लड़की एक लड़का जा रहे प्रेम में, लड़की है ना, लड़की है, देखो उसका सूट दिख रहा गाइस, यार क्या यार भाई भाई कुछ ना कुछ तो भसड़ कर रहे थे भाई ये। जो भी है गाइस, अभी गाइस थोड़ा यहाँ पे फोटो वगैरह शूट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं यार, ठीक है, मम्मी लोग तो उधर बैठे पंडित जी के साथ यार, ये ला रखे थे घर से पूरी वगैरह, ठीक है, तो गाइस इसको खाते फिर तब आपको मैं खाने के बाद मिलता हूँ यार, क्योंकि भूख ना बहुत ज्यादा लगी है, एक उसको भी देना है पूरी, एक खच्चर उसको और एक जो उसके पीछे उधर, एक बार यहाँ करना गाइस व्यू चेक करो यार, हम बैठे भी तो पता कहाँ यार, धूप में बैठ के देख रहे हो खाने के लिए मस्त एकदम, अभी खोला नहीं मम्मी ने, खाते फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं यार आपको, ठीक है, मैंने खाना वगैरह खा लिया और यहाँ से सीधा। ओ बेटे खेल रही है, ओए डिकचिकी डिकचिकी डिकचिकी, हाँ दोनों, वो नहीं है, ये वाला अलग है, ये कुछ वो भी नहीं है, वो तो बहुत हैवी थी यार, तो गाइस हमने पता खाना वगैरह खा लिया और पता लेट हो गया, अभी हम सीधा नीचे जाके मिलता हूँ मैं आपको, ठीक है, मोटो ब्लॉक के साथ में, क्योंकि 4:30 मतलब मेरे ख्याल से 5 तो बज गए होंगे, मैं आपको एक चीज दिखा दूंगा कैसे खेल रहे, अजय अजय अबे कैसे खेल रहे, ओ बेटे भयंकर भी ले हमें यार, ओ खेले मस्त हो रखे भाई। गाइस हमने पता खाना वगैरह सारा खा लिया है, तो गाइस महादेव को गुड बाय बोलते हैं और गाइस यहाँ से निकल रहे, देखो सबके सब हाथ जोड़ के, तो गाइस हम आपको सीधा नीचे मिलते हैं बाइक में, क्योंकि 5:30 बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, और जो आप ये दो डॉगी देख रहे हो ना गाइस, ये नीचे थे, नीचे से पता ऊपर आ गए, तो अभी हमारे साथ ना वापस आ जाएंगे नीचे, तो गाइस आपको नीचे बाइक पे मिलते हैं, ठीक है ना। तो गाइस अब हम गाइस महावगढ़ से निकल रहे हैं, गाइस ऊपर खाना भी खा लिया था, और गाइस अब सीधा कहीं नहीं रुकेंगे, पोखाल वगैरह सीधा चलते बनेंगे, क्योंकि गाइस टाइम हो गया बहुत ज्यादा, मतलब लमसम कितने 4:30 हो गए होंगे गाइस, मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ एक बार अपने ड्यूक में, ओए कम कर इसको, ये देखो गाइस 4:17 हो गया भाई, तो मतलब अभी लगा लो गाइस हम 6:30 बजे से पहुँचेंगे भाई, तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, लेट नहीं करते भाई, आ जाओ व्लॉग में लाएगा मुझे व्लॉग में। गाइस बस देख रहो अभी देखो यहाँ पे धूप है ना महावगढ़ से, जब अभी हम यहाँ से जस्ट निकले ना गाइस, तो देखो हल्की हल्की मतलब धूप ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब हम पोखाल वगैरह क्रॉस कर देंगे ना गाइस, ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपको वहां दिखाऊंगा, देखो अंधेरा भी हो जाएगा, धूप धूप तो छोड़ो
पूरा मौसम ही अंदर हो जाएगा, हम अंधेरे में ही पहुंचेंगे, आप ये लगा लो मतलब, है ना भाई। टायर पंचर हो गया यार, गाइस टायर पंचर हो गया भाई, गंदे वाला यार दर्द भाई। यार मम्मी तो पता नहीं आगे निकल गया यार, उनको तो पता भी नहीं है भाई कि हमारा एंटोर का टायर पंचर हो गया भाई। और पता है यहाँ से पोखाल ना गाइस अभी 7.5 किलोमीटर है भाई पूरा पूरा, तभी गाइस पता खड़े होकर गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब ट्यूबलेस है ना, एक तो ट्यूबलेस में इतना है कि गाड़ी पूरी दब रखी है भाई। वो तो पीछे बबली हुआ मैंने तब ध्यान दिया ना गाड़ी स्किड की हो रही है यार ये, वो तो भयंकर अभी भयंकर अभी डीप मैंने देखा ना तो भाई टायर पूरा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा देखना पोखाल में। पता नहीं यार गाइस बस वो पंचर वाली की दुकान खुली हो भाई, क्योंकि एक दुकान है भाई पूरे पोखाल में लोग वो लौती, इसलिए गाइस मैं खड़े होकर थोड़ा भगा रहा हूँ यार ताकि टाइम से पहुँच जाऊँ भाई। अब मेरे ख्याल से अब ना ऐसी रह गया होगा 5-5.5 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर मैंने कवर कर दिया है बस यार गाइस, खुला हो भैंस की नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई बहुत बड़ी वाली। मिल तो रहा है ना पंचर है, तो गाइस यहाँ पे ना पंचर है नहीं यार, पंचर खत्म हो गए भैया बोल रहे हैं ऐसा, तभी देखते हैं आगे जाते हैं भाई पोखाल से आगे अगर मिलेगा कहीं पे। भैया कांडाखाल में भी नहीं है पंचर वाला, मटियाली में, हाँ मटियाली में जहाँ पे तुझे दिखाया था मैंने। थोड़ी करके हवा कम होगी, कहाँ तक होगी है ना, चलो ठीक कितने रुपये भैया पक्का ना, ओके भैया थैंक यू भैया। यहाँ पर एक दुकान है वो बंद है यार यार, ओके अंकल जी। तो गाइस इस पे हवा तो डाल दी है, चल आ जा भाई मैं थोड़ा भगा के निकल लूँ, मतलब गड्ढा देख के निकलूँगा, आ जा भाई बड़ी, चलो हवा तो हो गई एटलीस्ट भाई। अब देखते हैं मटियाली है भाई, मतलब कांडाखाल में भी नहीं है, मटियाली में है बताओ। तो गाइस मटियाली तक पेलते हैं गाड़ी थोड़ा, अगर होगी खुली तो आप थोड़ा सही चल ली ना भयंकर गाड़ी अपसी। चलो गाइस चलते